एक नया फरमान आया है, कांवड़ यात्रा के रास्ते में भेड़िया हैं, स्टॉल हैं, ढाबे रेस्टोरेंट हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन, हो सकता है इसमें जाति भी हो, कहीं दलित तो नहीं है। हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ बिल्कुल नहीं होती, जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। मैं शाकाहारी खाता हूँ तो मेरे को ये नहीं पूछना उसे समझता कि बनाने वाला कौन है। जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करे हम नहीं होने देंगे। मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े चार पांच जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट्स कपूर, MKR फ्रोजन मदन एवर्ट, PML इंडस्ट्रीज बिंद्रा साहब, अल दुआ, अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। हमला बोल रहे हैं और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए, तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद।